वंदे मातरम। आदरणीय हमारे एजुकेशन इस संस्था को पूरे महेश्वरी समाज की तरफ से बच्चों को एक नई सोच, नई दिशा, स्पोर्ट्स के अंदर, राष्ट्रभक्ति के अंदर बच्चों को एक नई प्रेरणा देना करते रहे। कती हजार बेगुनाहों का खून हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हुए, खून की नदियां बह गई। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा मेरा बेटी घर से निकली है, मेरा पति वापस आएगा या नहीं आएगा। ये वो जंग, ये आजादी के बाद आजादी की रक्षा की वो जंग थी। अगर वो लड़ाई हम लोग सब ना लड़ते, अगर 36,000 लोग शहादत ना देते, अगर बहनों के सुहाग ना उजड़ते, तो शायद आज पंजाब पाकिस्तान में होता, शायद आज खालिस्तान बन जाता। पर हमने एक ही बात कही थी आतंकवादियों को, और आज भी यही कहते हैं, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। भारत एक है और भारत एक रहेगा, और इस भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, आज हमारा भारत जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने अपने जवान जो आपके लिए रात को जागते हैं हम सोते हैं, उनको मजबूत किया, हमारी सीमाएं सुरक्षित की, हमारे भारत को मजबूत किया। और कश्मीर के अंदर साथ जज को कहते हैं, जज साहब जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाएंगे, तेरा रंग ते बसंती चोला गाने गाते हुए हंसते हुए फांसी के रस्से को अपने गले में लगाओगे, क्या उस वक्त भी हमारी हंसी रोक दोगे। ये थे स्टूडेंट लीडर शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने इस भारत को आजादी लेके दी। हमें सब टीचर साहबान को बच्चों को ये सिखाना है, उनको कवि प्रदीप जी के वो पुराने गाने कहनी है, एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। हम लाए हैं तूफान से ये किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बच्चों के अंदर हमें अभी से जज्बा भरना है, क्योंकि राजस्थान की यह धरती ये कुर्बानी शहादतों की धरती है, यह संस्कृति की धरती है, यहां संस्कार सिखाए जाते हैं, यहां ये सिखाया जाता है कल्चर हिंदुस्तान का क्या था, संस्कृति क्या थी, आजादी क्या थी, गुलाम भारत कैसे हुआ, महाराणा प्रताप जी ने किस तरीके से जंगलों में रह करके इस राष्ट्र के लिए शहादत दी। तो ये धरती का खून लाल ऐसा है, अभी से बच्चों के अंदर जज्बा भरना है हमने, ताकि बच्चे बड़े हों उनके मन में एक ही जज्बा हो, प्रथम राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र और मातृभूमि की किसी ना किसी रूप में सेवा करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, पूरा महेश्वरी परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बहनों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपसे वादा करता हूं ये बोनस की जिंदगी बम्बों से इस बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमेशा हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। वंदे मातरम, जय हिंद।